भाई हमारा युग है, यहाँ के सिकंदर अंकित है, हम है आप है। सही बात है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी नहा हुआ के सुबह में रेडी हो गए हैं और उनका फोन आ गया है। 1 बजे हम लोग गांधी मैदान में मिलते हैं, जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और वो कुछ देंगे, तो उनसे मिल करके आते हैं। और सैयम बाबू को भी फोन कर दिए हुए हैं, वो भी आ रहा है अभी खाना खा करके। निकलते हैं, उसका जैकेट लेना है, उसका जैकेट ले लेते हैं, उसका निकलते हैं हम यहाँ से। ये रहा उसका जैकेट, बैग नहीं लेते हैं, बैग आएंगे उसको दे देंगे, पहन लेगा। बाल भी मेरा खराब खराब लग रहा है, सूख जाएगा तो ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर निकलते हैं। हम 7 नंबर गेट के पास उतरे हैं, वो 10 नंबर गेट के पास है, तो उन्हीं के पास अभी जा रहे हैं। जैकेट अभी हाथ में ही रखे हुए हैं, संयम आने वाला है तो उसका, तो बस अब खोजते हैं, देखते हैं कहाँ पे। साइड से चल रहे हैं तो देख रहे हैं कि पूरा गांधी मैदान एकदम खाली खाली नजर आ रहा है। थोड़ा मोरा क्रिकेट उर्केट खेल रहा है बच्चा लोग। अब क्या हाल है, संतोष सिंह सर से मिल चुके हैं, बहुत दिन से हम लोग का कांटेक्ट है। इनका जो बुक पब्लिश्ड हो गया हुआ है, वो बुक अभी हमको गिफ्ट करेंगे। हाय दोस्तों, मैं संतोष सिंह राख, मैं एक्चुअली अंकित से मिला था, आई थिंक 6-7 महीने हो गया। हाँ, हम लोग लैपटॉप के दुकान पे मिले, लैपटॉप की दुकान में मिले थे। फॉर्चुनेटली इतने बड़े यूट्यूबर से हमको मौका मिला, नहीं नहीं अंकित सर से मुलाकात हुई थी तो वहीं पे सी जो है बातचीत हुआ था। तो और ये अपने बारे में बताए थे कि बुक लिखते हैं और एक दो सुनाए भी थे, बहुत अच्छा लगा था। जो हमारी जो पहली किताब थी जो अंकित को उस समय देना भूल गया था। हाँ, तो ये एक मुट्ठी राख एक बुक अभी दे रहा है, ये पहले वाला है। और जो पब्लिश हुआ है उसका क्या नाम है? ये जो दूसरी किताब जो अभी अमेजन पे अवेलेबल है, ऑनलाइन रीडिंग प्लेटफॉर्म्स है, उस पर अंकित भाई के लिए ये 4 चुंबन। और ये अंकित को मैं इसलिए विशेष करके देना चाहता हूँ, ये जो किताब है इसके अंदर जो ये काफी क्रांतिकारी किताब है। अच्छा। और इसके अंदर ये रोड की मतलब की भाषा है, जमीन से जुड़ा हुआ बात है। अच्छा। चाहता था कि जैसे कि 2-4 लाइन में सुना दूँ। हाँ, एक लाइन सुनाइए, बढ़िया वाला। अब गणिका के होठों में बंद व्यस्त चूसने में मकरंद। गणिका के, गणिका मतलब होता है तवायफ। अच्छा। जो ऐशोराम के लिए जो है। गणिका के होठों में बंद व्यस्त चूसने में मकरंद, मदांद हो गया पाटली पुत्र, अंधकार कूप में खोता है। अच्छा। वहीं थोड़ी दूर प्राचीर में कैद, प्राचीर मतलब महलों में। वहीं थोड़ी दूर प्राचीर में कैद कई नंदों का वंदन अभिनंदन, भूखी नंगी कापती अबला के दूध से चंदन होता है। प्रतीत अजीब जो होता है, आज मगध फिर सोता है। आज मगध फिर सोता है। तो दोस्तों, ये चाक चुम्बन जो है समाज और तंत्र के बीमारू व्यवस्था के ऊपर जो है उठारा घात है। ये आप जैसे बोले तो उसका अर्थ इसमें लिखा हुआ है? नहीं, इसके अंदर अर्थ नहीं है, क्योंकि इंक हल्की है, भाषा काफी हल्की है, समझ में आने वाली है। एकदम एकदम मंजिले और भी है, कदम बढ़ाने को बारूद और भी है, आग लगाने को। हाँ। ये तो महज 2-4 चौकियां हैं, धुआं और भी हमें उड़ाने को। क्या बात है। इस तरह की कविताएं इसके अंदर है। मगध सो रहा है, क्रम भी दिया हुआ है, क्रम भी है। और लोग तो यंग ब्लड्स हैं, तो हम लोगों को लोग बोलते हैं भैया ऐसे चलो वैसे चलो, इसके ऊपर भी एक कविता है। क्यों करते हो चलाने की हमें तुम कोशिश अपनी सी, ऐ दुनिया वालों क्यों करते हो चलाने की हमें तुम कोशिश अपनी सी, निकल ले भाग साले चल तेरी ऐसी की तैसी। क्या बात, ये हमारा युग है, यहाँ के सिकंदर अंकित है, हम है आप। सही बात है। चलिए, बहुत आशा करते हैं कि आपका बहुत ही वायरल हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हेलो गाइस, जैसा कि आपको बता दें कि चाक चुम्बन नाम की एक पुस्तक है, संतोष सिंह राख जी ने खुद से लिखा है, बहुत ही मेहनत से लिखा है। अभी हम उनसे मिल करके ही आ रहे हैं, आप लोग देखे ही। पहला बुक एक मुट्ठी राख है और ये दूसरा बुक चाक चुम्बन है। ये बुक किसी को नहीं दिए हुए थे, ये हमको ही दिए हैं बुक, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो संतोष सिंह सर है ये भागलपुर में कार्यरत है और यूको बैंक में अभी जॉब करते हैं। उनको बहुत ही अच्छा लगता है बुक लिखना, ये बुक लिखते हैं और उतने सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं अभी। इनका बुक जो चाक चुम्बन है ये अमेजन पे अवेलेबल है, आप जा करके परचेज कीजिए। बहुत ही अच्छा बुक है, इसमें बहुत ही मतलब जमीन से जुड़ा हुआ बात सब लिखा हुआ है। जाइए और परचेज कीजिए, अमेजन पे अवेलेबल है। और संतोष सिंह सर को बहुत बहुत मेरा धन्यवाद, मेरे को आप इतना काबिल समझे कि आप मेरे को बुला करके ये बुक गिफ्ट किए, तो थैंक यू सो मच। हम ये अपने पापा मम्मी को भी पढ़ाएंगे, फिर हम लोग फिर आगे मिलते रहेंगे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो अभी के लिए बाय बाय।